कक्षा 10 मैथ में आपका चल रहा है द्विघात समीकरण पार्ट 3 कंटिन्यू है। प्रश्नावली 4.3 का हम पहले का एक दो प्रश्न बताए थे, आज आपको पहले का तीसरा प्रश्न। आपका प्रश्न है पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करना। तो सबसे पहले हम पूर्ण वर्ग के प्रारूप पर ध्यान देंगे। अब यहाँ आपको बताए थे कि पहला जो पद है वह पूर्ण वर्ग होना चाहिए, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसको पूर्ण वर्ग के रूप में किया जाएगा। तो पहला पद 4x² आपका पूर्ण वर्ग है, अर्थात आपको कुछ नहीं करना है, 2x² इसको हम लिख सकते हैं। ये आपका a² ये मध्य पर 2ab होता है, 2a का मतलब 2x और b का मतलब हो जाएगा कर्णी में 3, यानी कर्णी में 3 का वर्ग हम जोड़ देंगे और कर्णी में 3 का वर्ग घटा देंगे, तो ये आपका एक पूर्ण वर्ग हो गया। किसका पूर्ण वर्ग हुआ? 2x + 3² 3 कर्णी में 3 का वर्ग 3, ये आपका 0 हो जाएगा, 2x + 3² बराबर 0। दोनों ओर का वर्गमूल 2x + 3 बराबर 0 या 2x + 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x बराबर -(-3)/2। यानी द्विघात समीकरण में x के जो दोनों मान आएंगे -(-3)/2 (-3)/2। ये आपका आंसर। चौथा आपका प्रश्न है 2x² + x + 4 = 0। इस पर ध्यान दीजिएगा, 2x² + x + 4 = 0। नियम हम बताए थे, या तो पहले पद को पूर्ण वर्ग बनाना हो तो 2 का गुणा करना पड़ेगा अथवा 2 से भाग करना पड़ेगा, दोनों स्थितियों से आप कर सकते हैं। दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दिया जाए तो 2 × 4x² 2x + 8 = 0। ये पूर्ण वर्ग हो गया, 2x² 2ab 2x 1/2। 2 का गुणा किया गया है तो 2 का भाग भी करना पड़ेगा सवाल को बैलेंस करने के लिए। अब 1/2 का स्क्वायर आपको जोड़ना है और 1/2 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, ये आपका पूर्ण वर्ग हो गया, 2x + 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 + 8 = 0। 2x + 1/2 का होल स्क्वायर ये हल करेंगे, 4/32, 32 में से 1 गया, 4/32 और 32 में से 1 घटा दीजिए, 31/4। 2x + 1/2 का होल स्क्वायर और ये उधर चला जाएगा तो -31/4। वर्गमूल 2x + 1/2 बराबर √ -31/2। यहाँ देखिए माइनस ये आ गया, इसका मतलब इसके मूल काल्पनिक होंगे क्योंकि माइनस का वर्गमूल काल्पनिक होता है, अतः x का मान अतः मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इस तरह से दिए गए समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका मूल जो है काल्पनिक होंगे, इसको हल करेंगे तो ये हल नहीं संभव नहीं है क्योंकि यहाँ √-31/2 है। तो इस तरह से
ये पहला सवाल आपका हो गया, पहली 4.3 का पहले का पूरा प्रश्न हमने आपको बता दिया। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 आपका है, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। द्विघाती सूत्र आपको एक बार पुनः बता दें, x -b ± √b² - 4ac/2a, ये आपका द्विघाती सूत्र है समीकरण को हल करने का। इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। इसका पहला प्रश्न है 2x²-7x+3=0, इसको आपको द्विघाती सूत्र से, अब ए बी सी क्रम में होता है, यानी ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान -7 हो जाएगा, सी का मान 3 हो जाएगा। अब सूत्र का प्रयोग किया जाए, x = -b + -b²-4ac/2a, बी का मान -7 है और माइनस यहां है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +b²-7² - 4, ए का मान 2, सी का मान 3, 2a का मान 2, 7 + −7² 49, 4 × 8 = 24, 2 × 4 49 में से 24 घटा देंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25/4, 25² √5/4। अब एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह, इसलिए x = 7/5/4, यहां लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। 7 में 5 जोड़ेंगे, 12/4 हो जाएगा, 4 × 12, तो पहला मान आपका आ गया 3। अब माइनस चिन्ह ले लेंगे तथा x = 7 ऋण 5/4, लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, 7 में से 5 गया 2/4, काटेंगे 1/2, तो x = 3 और x = 1/2 आपका। ऐसे ही दूसरा है, इसका दूसरा सवाल ठीक ऐसे ही आपको करना है, 2x²+x-4=0। सूत्र x = -b + -b²-4ac/2a, माइनस बी, बी का वैल्यू 1 माना जाएगा, एक्स का कोई गुणांक नहीं है तो 1 हमेशा होता है, तो -1 + -b² यानी 1² - 4, ए का मान 2 और सी का मान -4, 2a 2 × 2, -1 + -1² 4 × 8 = 32, 5 = -1 + -32 = 33, आंसर हो गया। तीसरा आपका है,
चार एक्स स्क्वायर प्लस चार कड़ी में तीन एक्स प्लस तीन बराबर जीरो, फोर एक्स स्क्वायर प्लस चार कड़ी में तीन एक्स प्लस तीन बराबर जीरो। अब इसको एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए माइनस बी, बी का मान चार कड़ी में तीन, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी चार कड़ी में तीन का स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू चार और सी का मान तीन बटे टू ए दो गुणे चार, ए का मान चार। माइनस चार करने में तीन प्लस माइनस चार का वर्ग सोलह, सोलह तिया अड़तालीस हो जाएगा इसका स्क्वायर, चार चौके सोलह तिया अड़तालीस आठ, चार करने में तीन प्लस माइनस जीरो, अड़तालीस में से अड़तालीस जीरो का वर्गमूल जीरो, तो ये माइनस चार कड़ी में तीन बटे आठ, चार दूनी आठ, माइनस कड़ी में तीन बटे दो यानी दोनों मूल माइनस कड़ी में तीन बटे दो होंगे। तो ये आपका द्विघाती सूत्र है, इसकी सहायता से आपको हल करना है, चौथा आप स्वयं कर लीजिएगा, दूसरे का चौथा प्रश्न आप अपने मन से कर लेंगे लड़के। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर तीन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तीसरा प्रश्न आपका है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, तीसरे का पहला एक्स माइनस एक बटे एक्स बराबर दिया है तीन, जहां एक्स इक्वल नॉट जीरो, ये आपका क्वेश्चन। इसका इससे बहुत आपको मतलब नहीं है, इसके कहने का यह मतलब है कि एक्स का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसको हल किया जाए तो सबसे पहले आप इस समीकरण को व्यापक रूप में बनाएंगे, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है उस रूप में किया जाएगा, तो इसका एलसीएम एक्स हो जाएगा, एक्स का एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर थ्री, तिर्यक गुणा करेंगे तो तीन का एक्स में गुणा तीन एक्स, अब तीन एक्स को इधर कर लिया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस है इधर आएगा माइनस थ्री एक्स। अब इसको हम चाहे तो सूत्र की सहायता से आसानी से हल कर सकते, जो द्विघाती सूत्र है उसकी सहायता से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो द्विघाती सूत्र एक्स बराबर माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी टू ए माइनस बी, बी का मान माइनस तीन है, कितना है माइनस तीन और माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, बी का स्क्वायर यानी माइनस तीन का स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान जो है वन है, सी का मान माइनस ए, ए का मान एक, यह आपका हो गया तीन प्लस माइनस तीन का वर्ग नौ, ऋण और ऋण का गुणा धन चार एकम चार बराबर नौ चार तेरह बटे, यह आपका आंसर थ्री प्लस माइनस करने में तेरह बटे दो। इस मूल को आप चाहें तो एक ही में आंसर लिख सकते हैं अथवा अलग भी कर सकते हैं, अलग कर देंगे तो प्लस अलग हो जाएगा
और माइनस वाला अलग हो जाएगा, तो ये दो मूल हो गए, अथवा एक ही में लिखे कोई। इसका दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है एक बटे एक्स प्लस चार माइनस एक बटे एक्स माइनस सात बराबर ग्यारह बटे तीस। एक्स इक्वल नॉट माइनस फोर सेवन, उससे आपको बहुत मतलब नहीं है, यानी इसका मान उसके अलावा कुछ आना चाहिए, ग्यारह बटे तीस। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, अब इसको हल किया जाए, देखिए कैसे। पहले सबसे पहले आप लघुत्तम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस चार एक्स माइनस सात गुणा करके, एक्स माइनस सात का वन में गुणा एक्स माइनस सात, माइनस हो जाएगा एक्स प्लस चार। अब जो है कोष्टक हटा लेंगे, माइनस चिन्ह बदल जाएगा, है गुणा कर सकते हैं आप लोग, एक्स का एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स का ऋण सात एक्स, चार का एक्स में गुणा चार एक्स, चार सत्ते अट्ठाईस, एक्स माइनस एक्स ये कट गया, माइनस सात माइनस चार माइनस ग्यारह हो जाएगा, और ये जो है एक्स स्क्वायर सात में चार गया तीन एक्स माइनस अट्ठाईस ग्यारह बटे तीस। अब आप चाहें तो इसको कट जाएगा, ये हो गया माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस अट्ठाईस एक बटा तीस, तिर्यक गुणा कर लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस अट्ठाईस, तीस एक कम तीस माइनस, इतना तो हल कर सकते हैं आप लोग। अब माइनस तीस इधर आ जाएगा, प्लस तीस हो जाएगा बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स ये घटेगा, तो इस तरह से एक या द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको चाहे तो मध्य पद को भी दो भागों में बांटकर हल कर सकते हैं, अथवा आप द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से आप सवाल हल कर सकते हैं। मध्य पद अगर बांटना चाहें तो दो एक तीन, दो एक कम दो, दो एक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक जोड़ेंगे तो माइनस तीन एक्स, ऐसे भी आप हल कर सकते हैं। अब एक्स कामन एक्स माइनस दो माइनस एक कामन एक्स माइनस दो बराबर जीरो, एक्स माइनस दो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में, एक्स माइनस दो बराबर जीरो एक्स बराबर दो, एक्स माइनस वन बराबर जीरो एक्स बराबर एक, तो आंसर आपका हो गया दो कामा एक एक्स के। आप चाहे तो सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज आपका प्रश्न नंबर तीन तक हमने बताया, पहला दूसरा तीसरा तक हो गया। अब आपका जो है चौथा प्रश्न कुछ वार्तिक है चौथा से, इसको आप लोग पढ़ करके आइएगा, पढ़ लीजिएगा, और अगले वीडियो में जो है हम बताएंगे चौथा प्रश्न इसके बाद, और इतना सवाल आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। हर सवाल को आप कई बार लगाइए, जहां न समझ में आए पीछे आप रिवर्स करके देख लीजिए वीडियो को, यानी हर सवाल आपको तैयार होना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद जो है चौथा हम अगले वीडियो में कर देंगे। धन्यवाद।